हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2 चम्मच घी में लड्डू बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। जी, मैं आपको मिठाई बनाना बता रही हूँ। सिर्फ 2 चम्मच घी में हमारी ये मिठाई बनके तैयार होगी। बाजार से हमें एक्स्ट्रा कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा, ना ही इसके अंदर हम मावे का यूज़ करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का। मैंने कि मिक्सिंग बाउल लिया है, इसी के अंदर मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। अगर हम कोई मिठाई बिना मावे के बनाते हैं, अगर इसमें मिल्क पाउडर डाल देते, उससे टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया हो जाता है। इस मिठाई में हम घी भी बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, 1 चम्मच ये, 1 चम्मच और, सिर्फ 2 चम्मच घी के अंदर। देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो है मिठाई बन के तैयार होगी। इसे अब हम हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करने से ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस घी भी हमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा घी का पसंद है तो इसमें 1 चम्मच एक्स्ट्रा और आप डाल सकते हैं। देखिए इसमें हमारा काफी अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बस इस तरह से आप करें तो घी के अंदर क्या है, मौन जो रहता है उस तरह से इसमें आ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं डालना और एकदम कम भी नहीं डालना। इसका जो कलर है वही आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। बस इसे आप 10 मिनट के लिए रख दीजिए। गैस पे मैंने ये कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसी के अंदर मैंने ये नारियल का बूरा लिया है, इसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी कहा जाता है। ये एक कप और टोटल इसके अंदर 2 कप का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट ही रोस्ट करना है। रोस्ट करने का मेन कारण ये है कि इसे हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप 15 दिनों तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगा। आज जो हमारी मिठाई है इसके अंदर हम बिल्कुल भी दूध का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वैसे 2 मिनट आपको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट हमें नहीं करना है। इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी। मुझे इसे इस तरह से भूनते हुए 2 मिनट का समय हो चुका है, हल्की सी खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं आएगी। इसका हमें कलर भी चेंज नहीं करना है। इसे आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए। मैंने सेम कढ़ाई थोड़ी सी से क्लीन कर लिया था कपड़े से पोंछ कर, उसके बाद इसे मैंने वापस गैस पे रखा। इसी के अंदर मैं 1/2 कप शक्कर डाल रही हूँ। इसके अंदर हम कोई चाशनी नहीं बना रहे हैं। 1/2 कप शक्कर डालिए, 1 कप इसमें आप पानी डाल दीजिए। गैस को आपको लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही शक्कर को आपको अच्छे से मेल्ट करना है। लो से आप मीडियम तक कर सकते हैं, लेकिन हाई पे मत कीजिएगा। शक्कर जो है हमारी पूरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। शक्कर मेल्ट होने के बाद इसे आपको 5 मिनट तक बॉइल करना है। बिल्कुल अभी हमारा कोई भी दाना आपको इसमें शक्कर का नजर नहीं आएगा, अच्छे से पूरी तरह से घुल चुकी है। बीच बीच में इसे आप चलाती जाइए। इसे हमें 5 मिनट तक उबालना है ताकि शक्कर का जो कच्चापन है वो हमारा पूरा मिट जाए। मुझे इसे बॉईल करते हुए 5 मिनट का समय हो चुका है। जो शक्कर थी हमारी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। देखिए हमने इसमें कोई चाशनी नहीं बनाई, सिर्फ शक्कर को मेल्ट करा है। इसमें शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए, गैस को बिल्कुल लो रखना है आपको। जो हमने मिल्क पाउडर लिया था इसके अंदर हमने घी को मिक्स करा था, इसे आप इसमें पूरा डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए तुरंत। गैस को बिल्कुल लो रखना है आपको ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। पूरा अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। इसमें हम 1 उबाली आने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल हल्के हल्के सी उबाली आना स्टार्ट हो चुकी है। इसे आपको कंटिन्यू चलाना है। अगर आप रुक जाएंगे तो ये तले के अंदर चिपकने लग जाएगा। आप चाहें तो इलायची, अगर आपको इसमें पसंद है, बस इसी टाइम पे इसमें उबाली आ रही, इसी टाइम पे इसमें आप इलायची डाल सकते हैं। जो हमने नारियल के बूरे को सेक के रखा था इसे आप इसमें पूरा डाल दीजिए। बिल्कुल गैस आपकी लो रहना चाहिए, बिल्कुल भी तेज नहीं होना चाहिए। इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे।
देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लिक्विड लगेगा, धीरे धीरे ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लिया। स्टार्टिंग में आप खुद देख सकते कितना टाइट लग रहा था, 2 कप आपको इसमें पूरा लगेगा। अगर आप टाइमिंग का ध्यान रखते हुए करेंगे, अगर 5 मिनट शक्कर को पिघलने के बाद इसमें 5 मिनट तक, 5 मिनट का समय लगता है उसे अच्छे से शक्कर को पकने में, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये टाइट होने लगा है। लेकिन इस तरह से आपको दबा दबा के इसे प्रेस करते हुए नहीं भूनना है। इसे हम 2 मिनट और करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही इसे आपको मिक्स करना है। 2 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे। 2 मिनट का समय हो चुका है, गैस को आप बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद इसे आपको कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, क्योंकि इसे हमें हल्का, बिल्कुल हल्का सा ठंडा करना है। ये देखिए 2 मिनट में आप देख सकते हैं और थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है, बस इतना ही ड्राई होना चाहिए। ठंडा होगा थोड़ा सा ड्राई ये और होगा। इसे मैंने अच्छे से प्लेट में इस तरह से फैला दिया है। इसे आप पंखे की हवा में 2 से 3 मिनट के लिए रख दीजिए। मुझे इसे ठंडा करते हुए 2 से 2.5 मिनट का समय हुआ, बिल्कुल हल्का सा ये ठंडा हुआ है, थोड़ा थोड़ा गर्म है, थोड़ा गर्म है थोड़ा ठंडा है। मैंने ये नारियल का बूरा लिया है, इसे मैंने अलग से लिया था 3 चम्मच के करीब। इसे भी मैंने रोस्ट करके ही यूज करा है, ताकि इससे हमारे खराब बिल्कुल भी ना हो। अब जितने बड़े लड्डू बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ही हमारे हलवाई स्टाइल लड्डू जो है बनके तैयार होंगे। बस इस तरह से इसे दबाते जाइए, ये देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। आप खुद देख सकते हैं कि लड्डू हमारा कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट है। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू है। इस तरह से लड्डू बनाने के बाद इसे हम हल्का सा हाथ में, इसे भी आप ले लीजिए, बस हाथों का एक्स्ट्रा आप निकाल दीजिए, हल्का सा इस पर लगा हुआ रहेगा तो काफी बढ़िया और सुंदर दिखता है। इस तरह से हम सारे लड्डू जो है बनाकर रख दे जाएंगे। एक लड्डू और आपको बनाना बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इसे अगर आप ताकत से इस तरह से मुट्ठी बांध के दबाएंगे तो जो नारियल का ऑयल रहता है वो हमारा निकलने लग जाएगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बनाना, क्योंकि गर्म गर्म में हम बना रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही बनाएंगे तो भी ये बन जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 चम्मच घी डाला, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना घी मेरे हाथ में चमक रहा है। बस ये लीजिए, इस पर अच्छे से इसे कवर कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा रहे उसे आप निकाल दीजिए। इसी तरह से मैं सारे लड्डू जो है बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे लड्डू बने। इसके ऊपर मैंने इस तरह से फीकी चिरौंजी जो चारोली आती है मैंने उसका यूज़ करा। आप जो चाहे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक लड्डू मैं आपको पास दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये लड्डू बना। ये देखिए ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने लगाया है कितने अच्छे से इसके ऊपर नजर आ रहा है। आपको मैं लड्डू को तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मुंह में डालते से ही आपके ये लड्डू घुल जाएगा। बाय चांस बनाते बनाते अगर आपका ठंडा हो जाएगा तो भी ये लड्डू आराम से बाइट हो जाएगा। ये देखिए ये ठंडा हो चुका पूरी तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। देखिए फिर से हमारा लड्डू जो है बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल आसान सरल तरीके से मैंने आज आपको लड्डू बनाना बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।